सूरतगढ़ द्वारा महिला हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया गया था, जो लगभग 1.80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था, जिसकी रखरखाव संबंधित समस्त प्रकार का दायित्व नगर पालिका सूरतगढ़ का था। इस हेल्थ सेंटर से उस क्षेत्र की माताओं और बहनों व भाटिया आश्रम व अन्य शिक्षा केंद्रों की छात्राओं को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन वर्ष 2020 के आते आते महिला सेंटर के नगर पालिका द्वारा ताला लगा दिया गया और हेल्थ संबंधित जो आधुनिक मशीनें या तो चोरी हो गई या फिर नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों ने कबाड़ में फेंक दिए। दिनांक 14 फरवरी 2022 को 1.51 करोड़ की बजट मीटिंग में उक्त महिला हेल्थ सेंटर को एजेंडे में शामिल किया गया था, लेकिन 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि इस समय उक्त महिला सेंटर हालत दयनीय है। आवारा पशु पक्षी नशेड़ियों गुंडा तबके व्यक्तियों का अड्डा बन चुका है, जिससे मोहल्ले का वातावरण भी दूषित व प्रभावित हो रहा है। इसके संदर्भ में पूर्व से भी पत्राचार के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त महिला सेंटर की अपने स्तर पर जांच करवाएं, ताकि इसमें हुए भ्रष्टाचार व सच्चाई का खुलासा हो सके। भवदीय हरिप्रसाद उर्फ छोटू पंडित। आज दिनांक 17 अगस्त 2022 बुधवार को सेतिया परिवार व महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय दीपक खुराना की प्रथम पुण्यतिथि पर केंद्र का 184वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर मैत्री ब्लड सेंटर नज़दीक रेलवे स्टेशन सूरतगढ़ में लगाया गया, जिसमें सुनील कुमार, ब्रजेंद्र बिश्नोई, रमनदीप कौर, मनीष मोहिनी व दीपिका ने 60 यूनिट रक्त संग्रहण किया। परियोजना निर्देशक वीर सत्यनारायण झंवर के अनुशासन अनुसार शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक अशोक नागपाल ने रिबन खोलकर किया। चिरंजीवी ठाकरानी हर्षदीप ठाकरानी ने पिता पुत्र के रूप में रक्तदान किया। शिविर में सफल आयोजन में सेतिया परिवार की ओर से जितेंद्र सेतिया, श्रीमती उषा सेतिया, करण सेतिया, जैकी चुग, अमित झंवर व केंद्र की ओर से गवर्निंग काउंसलिंग सदस्य ने भी रक्तदान किया। शिविर के पश्चात महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ द्वारा सूर्योदय नगरी में एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री भेंट की गई। सूरतगढ़ 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान श्री माहेश्वरी भवन में श्री माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर खुशियां मनाई। देशभक्ति गीतों से भवन गुंजायमान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे देश अभी आजाद हुआ है। जिला माहेश्वरी महिला संगठन मंत्री अनिता सोमानी, सदस्य उर्मिला कोठारी, श्री माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष मधु मुंदड़ा, सचिव अनुजा सारडा आदि उपस्थित थी। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 द्वितीय चरण मुख्य चरण का वार्ड संख्या 27 का शिविर बिश्नोई मंदिर सूरतगढ़ में आयोजित किया गया। मास्टर ओम प्रकाश कालवा अध्यक्ष नगर पालिका सूरतगढ़ की अध्यक्षता में माननीय पूर्व विधायक श्री गंगाजल मील, श्री कपिल कुमार यादव उपखंड अधिकारी पीसीसी सदस्य श्री हनुमान मील, श्री सलीम कुरेशी उपाध्यक्ष, श्री विजय प्रताप सिंह अधिशासी अधिकारी के द्वारा श्रीमती तुलसी आसवानी पार्षद एवं जिला आयोजन समिति सदस्य श्री धर्मदास सिंधी, कांग्रेस पार्टी संगठन महामंत्री श्री परशुराम भाटिया ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, श्री सहदेव जोशी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, श्री राजेंद्र उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार एवं श्री सोहन कुमार झा सहायक अभियंता तथा पालिका के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में अभियान के दौरान आमजन को कृषि भूमि के 23 पट्टे, पक्की बस्ती राजकीय भूमि पर बसे आमजन को 48 पट्टे, इसके अलावा भवन निर्माण आज्ञा के 5 प्रकरण निस्तारित किए गए। छात्र इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने बाबत, जैसा कि आपको पता है कि जालौर जिले में सुराणा गांव के इंद्र मेघवाल की हत्या हुई। हत्या करने वाले मास्टर छेल सिंह को फांसी की सजा दें, 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को सहारा दें, परिवार की सुरक्षा व पिस्टल लाइसेंस दें व सरकारी नौकरी परिवार
के सदस्य को दें, इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा सरकार इसका अंजाम भुगते। राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होने के लिए